हेलो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 का जो सब क्लासिफिकेशन इन एससी एंड एसटी कैटेगरी मींस एससी और एसटी कैटेगरी की रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन और क्रिमिनल लेयर की जो बात स्टेट गवर्नमेंट के हवाले सुप्रीम कोर्ट ने की है, इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फिर एक बार हमारा देश, हमारा समाज हजारों साल पिछड़ तो नहीं जाएगा, फिर एक बार घड़ी के जो कांटे हैं उल्टे तो नहीं फिराए जाएंगे। इसी बात को समझाने के लिए आज मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूं। कैसे देखते हैं, सबसे पहली बात तो हमें ये देखनी चाहिए कि हमारे देश में नौकरी है और नौकरी में रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन देने की बहुत ही खास ये वजह थी कि संपूर्ण भारतीय समाज एटलीस्ट सोशल लेवल पर एक जैसी जिंदगी जीने के काबिल बन सके और जाति पाति और धर्म के आधार पर जो हम बटे हुए हैं, इस बंटवारे को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि पिछले 75 साल में नौकरियों में रिजर्वेशन होने के बावजूद भी नौकरियों को नकार दिया जाता है, सिलेक्शन नहीं किया जाता है। इसमें भी राज्य घटना ने एक बात देकर रखी है कि प्रशासकीय कार्य क्षमता अगर आपको चाहिए और वो किसी कैंडिडेट में नहीं मिल रही है तो इस प्रशासकीय कार्य क्षमता के आधार पर आप उस कैंडिडेट को नकार सकते हो और ऐसा नकारना हमारे देश में बहुत ज्यादा हद तक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, नौकरी तो है लेकिन उस कैंडिडेट में प्रशासकीय कार्य क्षमता नहीं है, इसलिए उसे नौकरी के लिए नहीं कहा जाता है और फिर तैयार होता है बैकलॉग। इस बैकलॉग की तरफ सबकी नजर पड़ी है, सबकी नजर इस बैकलॉग पर है कि किसी तरीके से ये बैकलॉग क्या हो जाए, कैरी फॉरवर्ड हो जाए, किसी एक वक्त के बाद बैकलॉग को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन जब ये कैरी फॉरवर्ड भी ठीक से नहीं हो पाता है तो बैकलॉग की संख्या बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हद तक अनुशेष बाकी रह जाता है और फिर एक बार क्या होता है, प्रशासकीय यंत्रणा के ऊपर लोड आ जाता है। मिस काम तो बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है लेकिन काम करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं और इस यंत्रणा पर लोड बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नौकरियां है लेकिन नौकरी करने वाले लोग मिल नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। अब इस बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक और सिस्टम। हमारे देश में एक सिस्टम था जिसे चातुर्वर्ण्य के नाम से जाना जाता था, कास्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता था, जिसमें ऊंची जाति में ब्राह्मण्स को रखा गया था, क्षत्रिय थे बाद में, फिर वैश्य थे और शूद्र थे। और इसी बात को हमेशा के लिए धराशायी करने के लिए राज्य घटना में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। हम देखते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर भी एक चीज कॉमन है, वो चीज है कि यहाँ के लोगों को भी स्कूल चाहिए यानी कि एजुकेशन चाहिए, ओके, फिर उनके पास पैसा भी चाहिए और फिर उनका इकोसिस्टम भी सही चाहिए। जब हम इन तीनों बातों को लेकर, इन तीन तबकों को लेकर सोचते हैं, कैटेगरीज को लेकर सोचते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कैटेगरी को लेकर, तो हमें पता चलता है कि इनको स्कूल और एजुकेशनल सिस्टम में मिलता है इंग्लिश मीडियम, कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम और बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज फ्रॉम द फैमिलीज। दूसरा है कि इनके पास पैसे के तौर पर इतना पैसा होता है कि अपने बच्चों का एजुकेशन बहुत अच्छे ढंग से कर सके और इकोसिस्टम के तौर पर पेरेंट्स बहुत हद तक जागृत रहते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों का 10, 15, 20 साल के बाद करियर और लाइफ कैसा होना चाहिए इसकी सिस्टमैटिक प्लानिंग करके रखते हैं। अब यही बातें जब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्कूल, मनी एंड इकोसिस्टम के तौर पर, जब हम देखते हैं कि जो शूद्रों में आने वाले एससी, एसटीज और एनटीज हैं, इनको आज भी आफ्टर 75 इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस व्हाट वी सी, आज भी ये गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल का क्या हालत है ये आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और उसमें किस तरह का एजुकेशन मिलता है, कितना अपडेटेड एजुकेशन मिलता है और यही एजुकेशन जो उनको वहां पर मिलता है वो आगे चलकर कितना उनके लाइफ और करियर के लिए काम में आता है ये आपको मुझे ठीक से पता है। पैसा इनके पास सिर्फ उतना होता है कि रोज का खाना खा सके या फिर अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सके, और इकोसिस्टम के तौर पर
पहली दूसरी और तीसरी पीढ़ी में आज भी एजुकेशन और लाइफ एंड करियर को लेकर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज को हम नहीं देख पाते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए हमें जरूरत क्या है कि चिनैया केस में कहा गया कि ये सारा जो तीन चीजें है, स्कूल एजुकेशन की फैसिलिटी है, स्कॉलरशिप है और सारी बातें, ये नीचे के तबके को इस तरीके से दी जानी चाहिए कि इनमें समानता का तत्व प्रस्थापित हो सके और वो सही तरीके से कंपटीशन कर सके सभी के साथ। ऐसा न करते हुए इस सब क्लासिफिकेशन के जजमेंट को हमें ऐसा देखना चाहिए कि जो नौकरियां बची पड़ी हैं ये किसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड हो जाए, कैरी फॉरवर्ड होते होते वो जनरल कैटेगरी में चली जाए, यानी कि ओपन हो जाए सबके लिए, और इसका सारा फायदा जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पेरेंट्स जागरूक हैं, उनको हो जाए। क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि प्रशासकीय कार्यक्षमता के आधार पर नौकरियां नहीं कही दी जा रही किसको, सभी को, और दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कि एससीज और एसटीज में एक अंतर्गत असमानता है, इनमें कुछ स्ट्रांग लोग हैं जो ज्यादा आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। अगर ये रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं तो जरूरत ये थी कि ये सारी नौकरियां भर जानी चाहिए थी, लेकिन ये सारी नौकरियों में बहुत बड़े तौर पर बैकलॉग बचा पड़ा है। और इस बड़े तौर पर बैकलॉग बचा रहने की वजह यह है कि एससी और एसटी में सभी तरीके की एक होमोजीनियोसिटी है, एक समानता है कि अभी भी बहुत ज्यादा हद तक उभर कर जिंदगी नहीं जी सकते, बहुत ही कम लोग, वेरी फ्यू हम जिसे कहते हैं, उतने ही लोग कुछ अच्छी तरीके से जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वरना ज्यादा से ज्यादा लोग दे आर नॉट लिविंग अ गुड लाइफ विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, मनी एंड इकोसिस्टम। तो इस वर्गीकरण को इस तरीके से देखने के बाद ही पता चलेगा कि फैसिलिटीज नीचे के तबके तक आनी चाहिए, ना कि नीचे के तबके के लिए जो नौकरियां रखी है वो कैरी फॉरवर्ड के तहत ऊपर चली जाए। इसको समझिए दोस्तों, अगर हम आज नहीं समझेंगे तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। धन्यवाद।